हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनाना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया, जहां पर 20 टीमों में से आधी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई कर सके। अभी 9 टीमों में ट्रॉफी की असली जंग होगी। तो आइए बात करते हैं सुपर 8 के पहले मैच में, जिसमें एक तरफ पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही USA, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका देखने को मिलेंगे। दोनों ही पहली बार क्रिकेट में आमने सामने होंगे। ये दोनों टीम 19 जून को एंटीगुआ के VIP रिचार्ज स्टेडियम में आमने सामने होंगे। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी 67% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं पिच एनालिसिस करते हैं, जहां पे सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्ले और गेंद के बीच अच्छा बैलेंस देती है। पिच टफ होने के लिए जानी जाती है, इस पर घास अच्छी परत होती है जो फास्ट बॉलर की मदद कर सकती है, खासकर शुरुआती ओवरों में। पिच में आमतौर पर लगातार उछाल भी रहता है, जिसका फायदा फास्ट बॉल स्पिनर को दोनों को मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 71% जीतने का चांस है, तो भी बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 29% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 116 है, जो पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 109 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम साउथ अफ्रीका का शॉट एनालिसिस करेंगे, जहां पे टीम भले ही लगातार 4 मैच जीती है, लेकिन टीम की बैटिंग उनकी ताकत है, वो अब तक फ्लॉप रही है, बॉलर ने ही मैच को जितवाया। टीम ने अपने पूरे ग्रुप के 4 लगातार मैच जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई किया। लास्ट गेम में टीम ने नेपाल से हारते हारते बच गई थी। वहीं पर रिजा हैंडी कॉन्टेंडी को ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, डीकॉक ने आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे हैं। रिजा ने लास्ट गेम में 43 रन बनाए थे। वही नंबर 3 पर कप्तान माक्रम खेल रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए, जो कि मिडिल ऑर्डर में है, निक्लासन है, डेविड मिलर टीम की सबसे बड़ी ताकत है। मिलर ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाए। वहीं लो ऑर्डर में आपको ट्रिस्टन स्टब्स हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, टीम की बॉलिंग मजबूत है। लास्ट गेम में बॉलर्स ने ही टीम को मैच जितवाया, जब टीम ने नेपाल के खिलाफ बस 1 रन से ही टीम को जीत मिली। वहीं कॉर्टनेल बार्टन लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पे मार्को एंसन, कशिगो रवारा, एंड्रिज नॉर्डजी की तिगड़ी किसी भी बैटर के लिए खतरनाक है। नॉर्डजी ने जहां पे 9 विकेट के साथ टॉप पे, वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में केशव मराप की जगह आए हैं तबरेज़ शम्सी ने 4 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्विंटन डीकॉक है, रिचा हेंड्रिक्स है, एडम मक्राम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स है, मार्को जैनसन है, तबरेज़ शम्सी, एंड्रिज नॉर्डजी, केशव महाराज, कशिगो रवारा। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि हेनरी क्लासन है, क्विंटन डीकॉक है, मार्को जैनसन है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी USA का शॉट एनालिसिस करेंगे, जहां पर टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और टीम पहली बार में ही टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने अब बड़ी बड़ी टीमों को पीछे छोड़ते हुए सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर लिया। अब यहां से सुपर 8 में टीम को 3 मुकाबले खेलने होंगे, टीम यहां भी अच्छा कर सकती है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि स्टीवन टेलर और मोनांग पटेल कर रहे हैं, टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ही मजबूत है, उससे एंड्री गॉस, आरन जॉन्स की जोड़ी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। जॉन्स ने अब तक 141 बनाए। वहीं लो ऑर्डर में आपको कोरी एडरसन, हरमीत सिंह और नीतीश कुमार 6 हिटर है। हाल के मैच में बॉलिंग अटैक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जहां पे सौरभ नेतवालकर ने टीम को लीड कर रहे हैं। वहीं पर अली खान भी अच्छे स्पेल डाल रहे हैं। पार्ट टाइम में आपको सैडली वैन साल्विक है, हमरप्रीत सिंह और एडरसन भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बात करते हैं USA का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि मोनांग पटेल है, कप्तान विकेट कीपर दोनों है, स्टीवन टेलर है, एंड्री गॉस है, एरन जोन्स है, नीतीश कुमार है, कोरे एडरसन है, हरमनप्रीत सिंह है, अली खान है, जसदीप सिंह है, वन सैक है, सौरभ नेतवालकर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि कोरे एडरसन है, मोनांग पटेल है, स्टीवन टेलर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, लेकिन USA जिस तरह का खेल रही है इस वक्त बहुत ही खतरनाक दिख रही है, उसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे साउथ अफ्रीका आगे चल रही है, जिसको देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर भी साउथ अफ्रीका होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।